जी, क्या नाम है आपका? जगवीर सिंह, मैं बिचोला ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी, क्या समस्या है? इसमें दरअसल मेरे यहाँ ये नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जी। इसमें जिले से मरम्मत के लिए एक टेंडर हुआ था जी। समृद्ध ठेकेदार यानी मरम्मत के नाम पर एक ये चबूतरा और थोड़ी सी पुताई उताई करा करके पूरा पैसा निकाल लिया गया है। कोई मरम्मत नहीं कराई है हमारे इस अस्पताल की। जोड़ी वगैरह ये हमारी टूटी फूटी पड़ी है, फर्श टूटे पड़े हैं, ना तो कोई बदलवाए। कई बार मैंने शिकायत भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है, डीएम साहब को दी थी, अभी तक कोई इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ की बाउंड्री वाल भी टूटी पड़ी हुई है। हाँ, बाउंड्री वाल पहले से पड़ी हुई है, टूटी हुई। तो आपने फिर इसके लिए उच्च अधिकारियों से अवगत कराया? हाँ, कराया है, मैंने शिकायत भी की है। कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ ये जो भी है इसमें आता है वो कार्य पूरा हो जाए। जैसे फर्श टूटे पड़े हैं, जोड़ी है इसमें वो टूटी पड़ी है, बदल दी है। और मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक फार्मासिस्ट के अलावा और कोई डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि अभी इस समय डेंगू का वायरल बहुत तेजी से चल रहा है। और एक सफाई कर्मचारी है, वो हफ्ते में एक बार आता है मात्र। यहाँ डॉक्टरों की तैनाती नहीं है? नहीं है कोई डॉक्टरों की, एक फार्मासिस्ट है वो ही है अकेले। दरवाजा और ले लो, दरवाजा उसके आता है वो दरवाजा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।